स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कई घंटों से उथल पुथल जारी है। लगातार पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो रहे हैं और अब पाकिस्तान के इन हालातों पर हिंदुस्तान में बैठे पाकिस्तान के कुछ हमदर्दों को पेट में दर्द हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की, जिनका बयान पाकिस्तान के बिगड़ते हालात पर सामने आए हैं। फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए बेहद खतरनाक है। तो इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने भी एक गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए ये कहा कि भारतीय मीडिया और न्यायपालिका पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के ये बदतर हालात को देखकर हिंदुस्तान में बैठे कुछ पाकिस्तान के हमदर्द लोगों को तकलीफ हो रही है और इस कड़ी में पाकिस्तान के बिगड़ते हालात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमें पाकिस्तान में बेहतर हालात की उम्मीद करनी चाहिए। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के समय से ही पाकिस्तान एक कपटी इतिहास उसका रहा है। उनके पहले प्रधानमंत्री की भी हत्या हुई थी। दुर्भाग्य से भारत के लिए अस्थिर पाकिस्तान खतरनाक है। हमें उपमहाद्वीप में शांति के लिए एक स्थिर पाकिस्तान चाहिए। ये फारूक अब्दुल्ला का बेहद चौंकाने वाला एक बयान सामने आया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, दैट हैविंग अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, अनफॉर्चूनेटली अरेस्टेड। हाउ यू आर सीइंग दिस इंसिडेंट? Well, it's a tragedy of Pakistan for a long time. Unfortunately, they have a checkered history right from the time of independence. The first Prime Minister, Liaquat Ali Khan Sahib, was also assassinated. There's a constant history of assassinations. Prime Minister Zulfiqar Ali Bhutto was also hanged. His daughter, Benazir Bhutto ji, was also assassinated. Unfortunately for us in India, unstable Pakistan is dangerous for us. We need a stable Pakistan, which is essential for peace in the subcontinent. Now, with the present situation that they are in, economically in a very desperate condition, also recent floods in Balochistan have put that country in a very miserable state. Those people still are in, I know, very, I can't tell you the condition that is in Balochistan. What we hear, because I have not been there, but what we see from the media. Therefore, it is very vital that that country must stabilize itself. Today, the ex-Prime Minister, Mr. Imran Khan Sahib, who is very popular, there's no doubt about it, and he's asking for election in that country. Which is now coming, they say, in about 4 months' time. I hope it does. And I hope this, that he is released for that. And I hope he is not harmed. Most important thing is, I hope his life is safe. We would wish that country well, and I'm sure we all in this nation would wish that country well. It's our neighbor. And we hope that something better will come and people of that nation will have a peaceful life. That is wish of all of us. जिसमें उन्होंने
कहीं ना कहीं अपने इस बयान में ये बैलेंस करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की तारीफ भी ना हो और पाकिस्तान के लिए उनकी जो तकलीफें हैं, पाकिस्तान के लिए जो परेशान वो आज हो रहे हैं, वो भी बात उनकी अब मीडिया के सामने चली जाए। और इस तरीके का ये बयान अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के इन बिगड़ते हालातों पर दिया है। लेकिन सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बल्कि महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान के बिगड़ते हालातों पर ट्वीट किया। लेकिन उन्हें ट्वीट करते हुए भारतीय मीडिया और न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र तार तार हो गया है। महबूबा मुफ्ती की ओर से जो ट्वीट किया गया उसमें लिखा गया कि पाकिस्तान में अब एकमात्र जो आशा की किरण है वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक मीडिया है, जो भारत के मीडिया और न्यायपालिका से पूरी तरीके से विपरीत है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक प्रतिनिधियों को तुच्छ आधारों पर गिरफ्तार किया जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये कितना गैर जिम्मेदाराना ट्वीट है जो कि महबूबा मुफ्ती की ओर से किया गया है। और ये हमने बार बार देखा है कि पाकिस्तान में चाहे कोई आतंकी घटना हो पाकिस्तान पर, फिर चाहे भारत की ओर से सरकार में किसी मंत्री ने जवाब दिया हो, तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की तकलीफ जो है वो कहीं ना कहीं सामने आई है। और चूंकि पाकिस्तान में हालात इतना ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें, जो आर्मी के ठिकाने हैं उन पर लगातार इमरान खान की पार्टी के जो उनके समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, और उस पर अब महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का ये बयान बताने के लिए काफी है कि आखिर उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, चूंकि पाकिस्तान में इस तरीके के हालात बन रहे हैं। लेकिन याद रखें कि ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो कि जम्मू कश्मीर में जो शांति इस वक्त है, जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर बदल रही है, जिस तरीके से वहां पर्यटन बढ़ रहा है, जिस तरीके से वहां सेना मुस्तैद है, जिस तरीके से वहां पत्थरबाजों और इन अलगाववादी ताकतों पर लगाम कसी गई है, उससे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को तकलीफ होती है। आर्टिकल 73 को हटाया गया है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, इससे भी महबूबा मुफ्ती को तकलीफ होती है। यानी महबूबा मुफ्ती यहां तक कह चुकी है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से बातचीत करे, तो उनका जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए प्रेम है वो कई मौकों पर देखने को मिला है। पाकिस्तान वो देश है जो कि आतंकवाद भारत में भेजता है, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश उसके जरिए होती है। लेकिन उसी पाकिस्तान की चिंता आज महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को सता रही है, जो कि जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनके नेता हैं। फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वहीं महबूबा मुफ्ती भी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे इन दोनों को तकलीफ हो रही है, और उनकी ये तकलीफ बता रही है कि पाकिस्तान के लिए उनका जो प्रेम है वो कितना ज़्यादा है। क्योंकि पाकिस्तान में ना सिर्फ हालात जो है वो अभी बिगड़े हैं, बल्कि पाकिस्तान लगातार कंगाली से भी जूझ रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार बेकार हो रही है, और साथ ही लोग जो है वो कहीं ना कहीं भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि खाने के भी लाले वहां पड़े हुए हैं। खाने के लिए जो कहीं ना कहीं चीजें हैं वो काफी महंगी हो रही है, तो कुल मिलाकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं वो देश बन चुका है जहां ना तो सरकार स्थिर है, ना ही वहां जो अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो जाहिर तौर पर वो भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तान की ये बिगड़ते हालात इन नेताओं को तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि ये वो नेता हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो भारत में देश विरोधी
विरोधी ताकतें हैं उनका समर्थन ये करते हैं। तो कुल मिलाकर जो तमाम बयान महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की ओर से दिए गए हैं उसको लेकर अब लोग भी सवाल उठा रहे हैं। चूंकि महबूब मुफ्ती ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र तार-तार हो रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में लोकतंत्र कब अस्तित्व में आया। पहले महबूब मुफ्ती ये बताएं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कब था जो लोकतंत्र वहां तार-तार हो रहा है। और महबूब मुफ्ती ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया और न्यायपालिका की अपने ट्वीट में तारीफ की है, भारत की मीडिया और न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद लोगों का गुस्सा अब महबूब मुफ्ती के लिए फूट पड़ा है। और लोग सलाह दे रहे हैं कि महबूब मुफ्ती जो हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान में जाकर रहें, उन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में बैठकर, हिंदुस्तान में अपनी सियासत चमकाकर, हिंदुस्तान के कहीं ना कहीं जमीन पर वो रह रही हैं और जिस तरीके से वो पाकिस्तान की वकालत कर रही हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की मीडिया और न्यायपालिका की तारीफ कर रही है, वो जाहिर तौर पर बता रहा है कि किस तरीके का ये गैर जिम्मेदाराना बयान है जो कि महबूबा मुफ्ती की ओर से दिया गया है, जिसके बाद लोग अब सोशल मीडिया के जरिए महबूबा मुफ्ती को घेर रहे हैं और तमाम तरह के ट्वीट लोगों की तरफ से किए गए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का जो दर्द है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान कभी भी एक लोकतांत्रिक राज्य नहीं था, जन्म से ही नफरत और ईर्ष्या पर आधारित एक निरंकुश राज्य था, ये भी लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं अब महबूब मुफ्ती के इस ट्वीट पर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रहा है। बात अगर महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयानों की जाए तो इन दोनों ही नेताओं के बयान कुछ इस तरह के रहे हैं, जहां देश के खिलाफ उनकी नफरत क्या है वो साफ तौर पर दिखाई दी है। महबूब मुफ्ती की ओर से कोशिश ये भी की जाती है कि जम्मू कश्मीर में किसी तरीके से लोगों को बांधकर अपनी ओर रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो पाकिस्तान के लिए प्रेम है वो कहीं ना कहीं उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करता है। क्योंकि हाल ही में वो एक मंदिर भी पहुंची थी ये दिखाने के लिए कि वो दरअसल हर धर्म को मानती है, क्योंकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब जब हालात बिगड़ते हैं, पाकिस्तान में जब जब कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो बढ़ती है, पाकिस्तान आज का हालात ये हैं कि दरअसल ना सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से वहाँ जो इमरान खान के समर्थक हैं वो आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, सेना के खिलाफ उनका गुस्सा जो है वो साफ तौर पर सड़कों और वहाँ सेना हेडक्वार्टर में देखने को मिल रहा है। बल्कि एक तस्वीर ये भी है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खाने के लिए तरस रहे हैं, वहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ये बिगड़ते पाकिस्तान के हालात हिंदुस्तान में बैठे पाकिस्तान के जो हमदर्द हैं महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और कई और राजनीतिक दल, कई और राजनीतिक चेहरे ऐसे हैं जिन्हें रास नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है, हमें वहां शांति की कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान में बेहतर हालात की उम्मीद करनी चाहिए, दुर्भाग्य से भारत के लिए अस्थिर पाकिस्तान खतरनाक है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं जो साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए क्या प्रेम है उनके मन में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि लोग अब लगातार फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती को उनके इस ट्वीट के बाद घेरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।